दोस्तों, आज हम बना रहे हैं अलसी की एक रेसिपी। ये बिहारी रेसिपी है, इसे लोग बिहार में बनाते हैं और खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे इससे पहले भी हमने अलसी की एक रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। ये हम बना रहे हैं जो बिल्कुल बिहारी स्टाइल है, बिहार के सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। और ये इसे आप रोटी राइस के साथ भी खा सकते हैं, दाल राइस के साथ भी खा सकते हैं। यह बहुत ही चटपटा होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिहार की ये यूनिक रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। अलसी को बिहार में तीसी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स। इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया था, इसलिए देखिए कहीं कहीं गुठलियाँ जैसी पड़ गई है। अब हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अलसी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये तो वेट लॉस में भी फायदेमंद है। अगर ठंडी के मौसम में आप खा रहे तो आपके शरीर में गर्मी बनाता है, कमर की मजबूती में और भी बहुत सारी चीज़ों में ये फायदेमंद होता है। बीच में तो लोग इसको खाना बिल्कुल बंद कर दिए थे, लेकिन अब फिर से इसको स्टार्ट कर दिए हैं खाना, क्योंकि डॉक्टर भी इसे खाने का सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें से चटकने की आवाज़ आ रही है। हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। पुराने ज़माने में लोग उसे ढेकी में कूटते थे, उसमें से ऑयल जैसा छोड़ता है और उसी से लड्डू जैसा बन जाता है। इसे हम अचार की तरह खा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही चटपटा होता है और इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इसमें जीरा मिर्ची लहसुन भी डाल दूंगी। इसे भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गया है। ये हमारा अच्छे से भून चुका है, इसका चिड़चिड़ाने का आवाज़ ख़त्म हो गया है। तो आप समझ जाएंगे कि भून गया है। अब मैं इसे बाउल में निकालूंगी। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं आगे का प्रोसेस करूंगी। देखिए हमारा ये अलसी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ग्राइंडर में डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, ये आमचूर पाउडर। हम सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इसमें ढेला ढेला बनने लगा है। इसको हम रोक रोक के चलाएंगे। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, ढेकी में कूटते थे, उसमें ऑयल जैसा निकलता था और खूब बढ़िया सा लड्डू बन जाता था। इसमें हम कंटिन्यू रुक रुक के इसे हम रुक रुक के चलाएंगे तो ये बहुत ही महीन पिसाएगा। और चाहेंगे तो इसमें थोड़ा ऑयल डाल के लड्डू जैसा भी बना सकते हैं या फिर चोट जैसा भी बना कर रख सकते हैं। देखिए हमारा ये पिस गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा ये अलसी बनके तैयार है। देखिए ये ढेला ढेला बन रहा है। इसमें हम थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे तो लड्डू जैसा बना के रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। यही चीज़ हम ढेकी में कूटे रहते हैं। ढेकी तो आजकल लोग नहीं चला रहे हैं, कहीं पे भी हो भी नहीं रहा है, तो इसमें तेल डालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। हालाँकि मैं भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसे चूर नहीं रखेंगे। अब इसको आप क्या कहिए, राइस बनाइए, राइस के साथ इसमें मिक्स करके खाइए, दाल राइस में भी मिक्स करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा टेस्टी लगता है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।